गुड इवनिंग चिल्ड्रन। प्रीवियस लेक्चर में आपने सॉलिड स्टेट्स की प्रॉपर्टीज देखी एंड कुछ क्वेश्चंस आपने डिस्कस करे। टू और क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। क्यों हैं देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर वन बोलता है, रबर इज ए सॉलिड बट इट्स शेप कैन बी चेंज। रबर एक सॉलिड है लेकिन हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं, क्यों? जबकि आपने पढ़ा है सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर वेरी हार्ड, शेप कैन नॉट बी चेंज। रबर में ऐसा क्या है? व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर, रबर एनलार्ज एंड व्हेन रिलीज इट कम्स इन ओरिजिनल शेप। क्यों? बिकॉज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ रबर इलास्टिक बॉन्ड प्रेजेंट। और सुन लीजिए, जो रबर के पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस इलास्टिक बॉन्ड द शेप एंड साइज ऑफ रबर कैन बी चेंज। सेम क्वेश्चन नंबर टू है, स्पंज इज अ सॉलिड बट इट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। स्पंज सॉलिड है लेकिन हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि आपने क्या पढ़ा था सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। क्यों कर सकते हैं कंप्रेसिबल? बिकॉज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ स्पंज एयर प्रेजेंट। व्हेन वी कंप्रेस स्पंज द एयर कंप्रेस्ड आउट एंड वी रिलीज स्पंज द एयर सक्ड इन। तो स्पंज में क्या है पार्टिकल के बीच में? एयर है एंड दे आर सॉफ्ट। जब आप कंप्रेस करोगे स्पंज को एयर बाहर निकल जाएगा, जब रिलीज करोगे कंप्रेशन तो एयर अगेन आपका एंटर कर जाएगा। ड्यू टू दीज टू फिनोमिना ये दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। ओके, तो रबर का बिहेवियर अलग है, सॉलिड है लेकिन बिहेवियर अलग है, स्पंज का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है एक ट्रेडिशनल सॉलिड के बिहेवियर से। ओके, आगे बढ़ते हैं लिक्विड स्टेट्स का। देखिए अगला है आपका टॉपिक लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आप इमेजिन करिए आप वाटर को, आपके पास वाटर है एंड वाटर फिल्ड इन अ बॉटल। तो आप केवल इमेजिन करिए, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है बेटा? देखिए लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होता है बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। देखिए लिक्विड्स का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? पार्टिकल्स आर नॉट टू क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। जैसे आपने ग्लास में वाटर भरा तो ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा, आपने वाटर बॉटल में वाटर भरा तो वाटर बॉटल का शेप एक्वायर कर लेगा, आपने क्यूबिकल बॉक्स में वाटर भरा क्यूबिकल बॉक्स का शेप एक्वायर कर लेगा। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर कैन शो अ रैंडम मोशन हियर एंड देयर एंड द पार्टिकल्स कैरी मोर काइनेटिक एनर्जी। यहां देखिए सबसे ज्यादा फ्लो होने वाले पार्टिकल्स किसके होते हैं? गैस के। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसका है? गैस का। उससे कम काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का एंड सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स का, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट होता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर टू, लिक्विड्स शो फ्लूइडिटी, दे कैन फ्लो इजीली फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव काइनेटिक एनर्जी एंड दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस कंप्रेसिबल। गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड किसके हैं? सॉलिड के हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड ऑल्सो कंप्रेस्ड बट वेरी वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, मतलब ना के बराबर। मैंने आपको बोला लिक्विड को फिल करके कंप्रेस करिए, वी कैन नॉट कंप्रेस इजीली। क्यों? लिक्विड के पार्टिकल्स आर ऑल्सो लिटिल बिट क्लोजली पैक्ड। ओके, डेफिनेट वॉल्यूम, जो लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। जैसे आपको बोला 1 लीटर लिक्विड, 2 लीटर लिक्विड, 200 ml लिक्विड्स, 10 ml वाटर, तो वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम इसका क्या होता है? चेंज नहीं होता है। अगर आपने 10 ml वाटर लिया तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। डिफ्यूज इजिली, मतलब पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ अदर मेटेरियल इजिली। जैसे मैंने बोला आपके पास वाटर है और आपके पास सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट NaCl, NaCl को वाटर में मिक्स करोगे क्या होगा? पार्टिकल्स ऑफ NaCl एंड वाटर मिक्स इजीली, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो दे कैन डिफ्यूज इजीली,
तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी लिक्विड्स की है, फिक्स शेप नहीं होता है, एक्वायर का शेप ऑफ कंटेनर, फ्लूडिटी शो करते हैं, लेस कंप्रेसिबल है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डिफ्यूज इजिली, एंड अ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन गैस बट मोर देन सॉलिड। ओके, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की है। बढ़ते हैं आगे, देखिए लिक्विड स्टेट्स की क्या एप्लीकेशन है आपको, आपको बोल रहे व्हाट आर द यूज ऑफ लिक्विड स्टेट इन डेली लाइफ। तो एप्लीकेशन नंबर वन, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं आपके फिश वगैरह हैं, फिश क्या करती है, दे टेक ऑक्सीजन गैस इन फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट। तो पहली एप्लीकेबिलिटी, फिशेज टेक लिक्विड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। एप्लीकेशन नंबर टू, अगर आपको किसी गैस को सप्लाई करना है वन प्लेस से अदर प्लेस, जैसे आपके घरों में आता है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है वो है आपका LPG, कितना मास से 14.2 किलोग्राम। अगर 14.2 किलोग्राम को हम सिलेंडर से रिमूव कर लें तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा आपका गैस। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको मोर अमाउंट ऑफ गैस को छोटे वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करके सप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्यों करते हैं, बिकॉज व्हेन वी कंप्रेस मोर अमाउंट ऑफ गैस इट इज कलेक्टेड और स्टोर्ड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, वी कैन नॉट ट्रांसफर अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इजीली। दैट्स व्हाई जितनी भी गैसेस हैं उन सब का हम स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन लिक्विड स्टेट में करते हैं इजी होने के लिए। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में जाती है, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स के फॉर्म में। एक्चुअल में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है वहां, सेमी लिक्विड गैस के फॉर्म में होता है या लिक्विफाइड ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या है, आपके लिक्विड स्टेट्स की एप्लीकेशंस हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कहाँ कहाँ काम आता है आपको लिक्विड स्टेट्स, तो यू कैन मेंशन। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला टॉपिक देखिए आप गैसियस स्टेट का। गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज समझने के लिए कोई भी इमेजिनेशन में ले जाइए गैस को, ऑक्सीजन गैस है या एयर को ले लीजिए आप। क्या एयर का कोई शेप होता है, क्या एयर का कोई वॉल्यूम है, नहीं होता। तो प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है, एयर का नो फिक्स्ड शेप नो फिक्स्ड वॉल्यूम। एयर का ना कोई शेप होता है, मतलब गैस का ना कोई शेप होता है, ना गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम चेंज होता रहता है। देखिए क्यों होता है चेंज इसका वॉल्यूम, यहां देखिए इसको इंपॉर्टेंट। सपोज वी आर हैविंग टू कंटेनर और आपके पास गैस के 4 या 10 ले लीजिए, आपके पास गैस के 10 पार्टिकल्स हैं। ये 10 पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या है, रैंडमली मूव करेंगे पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई। सपोज इसका वॉल्यूम क्या है कंटेनर का, 100 ml, तो आप क्या बोलोगे, इस गैस का वॉल्यूम भी 100 ml है। सपोज आपने इस गैस के पार्टिकल को 500 वॉल्यूम वाले कंटेनर में ट्रांसफर करा, तो यहां भी क्या करेंगे पार्टिकल्स, रैंडमली मूव करेंगे, और रैंडमली मूव करके क्या करेंगे, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे, यहां वहां घूमना चालू कर देंगे। तो आप क्या बोलोगे, गैस के पार्टिकल्स ने पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, अब कितना वॉल्यूम हो गया गैस का, 500 ml। तो कॉन्सेप्ट ये है, कंटेनर के वॉल्यूम पर गैस का वॉल्यूम डिपेंड करता है, बिकॉज गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे शो हाईली रैंडम मोशन, और हाईली रैंडम मोशन की वजह से दे शो नॉट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नॉन कॉन्स्टेंट शेप। दूसरी चीज देखिए, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड बिकॉज दे आर हैविंग वेरी वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईली कंप्रेसिबल, जानते हो आप कंप्रेस कर सकते हैं गैस को, बलून को फिल करिए एयर से, वी कैन कंप्रेस द बलून इजीली। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉइंट है, हाई डिफ्यूजन। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपने चॉक लिया और सॉइल लिया और आपके पास एग्जाम्पल है ऑक्सीजन गैस एंड H2 गैस, इन दोनों में से कौन इजिली मिक्स होगा, चॉक प्लस सॉइल या ऑक्सीजन एंड H2? ऑफकोर्स O2 एंड H2 विल बी मिक्स्ड इजिली, क्यों,
क्योंकि पार्टिकल्स के पास क्या है, दे आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर फ्रीली टू मूव हियर एंड देयर। तो सिंपल है, जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो बहुत ज्यादा होता है, इजीली होता है, गैस के पार्टिकल इजीली एक दूसरे में इंटरमिक्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्लियर है, सिंपल है, वैसे कोई खास टॉपिक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज की बेसिस बोल रहा है। फर्स्ट देखिए रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस। क्या बोलोगे, सॉलिड्स आर हार्ड, लिक्विड्स नॉट हार्ड, गैसेज आर ऑल्सो नॉट हार्ड। रीजन पता है क्यों हार्ड होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, लिटिल बिट क्लोजली पैक्ड। गैसेज आर इजीली कंप्रेसिबल, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फ्लुइडिटी। फ्लुइडिटी मतलब फ्लो होना, बहना। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली, पार्टिकल्स लिटिल बिट लूजली पैक्ड। गैसेज एक्सट्रीमली फ्लो इजीली। तो सबसे जल्दी फ्लो कौन होगा, गैस, उससे कम लिक्विड, और ना के बराबर कौन होगा, सॉलिड्स। फिलिंग अ कंटेनर, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कंटेनर और आपने उस कंटेनर में पेन डाल दिया, ये तो क्या पेन उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेगा, आंसर है ना, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज पेन के पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है। तो सॉलिड्स कैन नॉट फिल अ कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड्स एंड गैस कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस शो रैंडम मोशन। हियर एंड अगला देखिए शेप, सॉलिड्स का शेप कैसा होता है, डेफिनेट होता है, लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंटेनर इन विच लिक्विड्स आर फिल्ड। गैस का न तो शेप कॉन्स्टेंट होता है न वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी, किसके पार्टिकल सबसे इजीली मूव करते हैं, गैस के। सबसे कम किसके मूव करेंगे, ना के बराबर, जीरो, सॉलिड्स के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल, अप्रॉक्स जीरो। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड गैस मूव इजीली बिकॉज दे आर हैविंग लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी, डेंसिटी सिंपल वर्ड में बोलो समझाने के लिए आपको, केमिस्ट्री टर्म में हैवीनेस, भारीपन। साइंटिफिक टर्म तो अलग है, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। स्मॉल एरिया में या वॉल्यूम में ज्यादा मास प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। जैसे मैंने बोला आयरन एंड कॉटन, आपने 1 किलो कॉटन लिया, 1 किलो आयरन लिया, 1 किलो आयरन इतना सा पीस होगा, 1 किलो कॉटन इतना सारा हो जाएगा, तो दोनों 1 किलो है मास में, बट किसने ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा, कॉटन ने। अगर कोई ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेम मास में, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। कोई कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। देखिए सॉलिड्स आर हैविंग हाई डेंसिटी, लिक्विड्स लिटिल बिट लेस डेंसिटी, गैसेज वेरी वेरी लेस डेंसिटी। क्यों डेंसिटी कम है, बिकॉज गैसेज ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा क्यों है, बिकॉज सॉलिड ऑक्यूपाई वेरी लेस वॉल्यूम। 1 किलोग्राम सॉलिड, 1 किलोग्राम लिक्विड, 1 किलोग्राम गैस, उन तीनों में सबसे कम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, सॉलिड, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, गैस। तो ये चीज जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, ये लेक्चर ढंग से देखिए, सुनिए, अगले टर्न पर क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड एंड आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।